स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बड़े पे इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सुगर सॉफ्टवेयर के बेहतरीन स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे ब्रेकआउट आया है दोस्तों और काफी अच्छा न्यूज भी है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों सुगर सेक्टर में बहुत ही अच्छा रैली हुआ है और बहुत सारे स्टॉक ने पैसा डबल से ज्यादा बना दिया है दोस्तों कुछ ही टाइम के अंदर। ये स्टॉक भी ऐसा ही है कि एक महीने के अंदर 100% रिटर्न दिया है दोस्तों। बट आगे क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए, क्या वैल्यूएशन महंगे हो चुके हैं और चार्ट के ऊपर क्या लेवल है, वो सारा डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। दोस्तों स्टॉक का नाम है श्री रेणुका सुगर। दोस्तों अपर सर्किट पे अपर सर्किट ये स्टॉक मार रहा है। मैं आपको चार्ट के ऊपर पूरा बताऊंगा कि कब कहाँ से उसने शुरुआत की थी अपर सर्किट की और अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर 5 दिन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 24.50% रिटर्न दोस्तों दिया है स्टॉक ने और एक मंथ के अंदर जैसे मैंने बताया कि 100% रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। दोस्तों 6 मंथ के अंदर दोस्तों 175.71% दिया है दोस्तों और 1 साल के अंदर दोस्तों बेहतरीन 200% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया है दोस्तों। अब रिटर्न तो अच्छा दिया है दोस्तों, अब डिलीवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखेंगे कि 25 जून में जो डिलीवरी है वो 37.7% था, 24 जून में जो डिलीवरी है वो 48.7, फिर 23 जून 57.5, 70.8 दोस्तों डिलीवरी हुई 22 जून में। और उससे पहले अगर थोड़ा बात करें नीचे जाए तो दोस्तों डिलीवरी का जो वॉल्यूम है परसेंटेज है बहुत ही हाई था दोस्तों, स्टॉक अपर सर्किट में ही डील कर रहा था तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी भी चल रहा है दोस्तों स्टॉक में। अब स्टॉक में न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों कि श्री रेणुका सुगर टू इन्वेस्ट 450 करोड़ टू एक्सपांड इथेनॉल कैपेसिटी। दोस्तों आपका इथेनॉल कैपेसिटी का न्यूज़ तो पता ही है कि 20% ग्रेडिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है दोस्तों। अब जो अभी जो उनका जो बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है कि जो उनका जो भी करंटली प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 430 किलो लीटर पर डे है, उसको 1400 किलो लीटर पर डे यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट 3 गुना करने की सोच रहे हैं दोस्तों। और उसके लिए उन्होंने 450 करोड़ का दोस्तों ऑलरेडी कर लिया है दोस्तों और अभी सेवन ट्वेंटी किलो लीटर पर डे टू 970 किलो लीटर पर डे का दोस्तों जो है कैपेसिटी एक्सपांशन इथेनॉल का वो ऑलरेडी फेब्रुआरी में कर दिया था दोस्तों। यानी कि दोस्तों कंपनी है ना वो आगे की सोच रही है और एक्सपांशन कर रही है दोस्तों। अब देखते हैं वैल्यूएशन के ऊपर दोस्तों कि श्री रेणुका सुगर का दोस्तों मार्केट कैप है वो 7,248 करोड़ है, करंट प्राइस है वो 34 है दोस्तों और दोस्तों कंपनी ने लॉस बुक किया है। अगर करंटली जो उसका रिजल्ट भी आया है तो उसमें उसने लॉस बुक किया है दोस्तों। इन्हीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो 1.13 है, आरओसी है वो 16.6% है और इंडस्ट्री का पी 15 है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर क्या हमें मिल सकता है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि दोस्तों प्रमोटर ने स्टॉक बाय किए हैं 3 क्वार्टर पहले ही, तो दोस्तों ये कि अच्छा न्यूज माना जा सकता है। और एफए की अगर बात करें तो उनका अनइवन रहा है दोस्तों, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया फिर घटाया फिर थोड़ा बढ़ाया, ऐसा हालत है। डीआईआई ने बहुत ही अच्छे लेवल पे कम किया है और दोस्तों पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग बढ़ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो एक राइजिंग सिग्नल हो सकता है क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहे हैं। अब दोस्तों अब श्री रेणुका सुगर के वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 वीक पहले का जो कैंडल बना था जहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ठीक ठाक थे दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों जो पहले 2017 का जो हाई था वहाँ से दोस्तों स्टॉक नीचे आया था और ये रेजिस्टेंस बना था दोस्तों 2014 में, यानी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। ऐसा ही ब्रेकआउट हमने देखा था एल्कॉन इंजीनियरिंग में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आया। टाटा पावर में भी ब्रेक होने के बाद काफ़ी अच्छा मूव आया और दोस्तों स्टॉक मार्केट करेक्शन के हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, पर दोस्तों अभी भी ये जो लेवल होता है नेक एंड ब्रेक लेवल होता है उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों वीकली चार्ट आपको पता है 3 महीने से लेके 12 महीने की अवधि के लिए होता है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो 34 के आसपास है, तो जो अभी का क्लोजिंग है उसी के आसपास है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको येलो लाइन दिख रही है जहाँ पे मैंने स्विंग आई है और स्विंग लो का रिट्रेसमेंट किया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि जो 23.6% का लाइफ टाइम जो दोस्तों हाई था और लाइफ टाइम लो था उसका रिट्रेसमेंट दोस्तों यहीं पे आ रहा है। यानी कि दोस्तों एक लेवल टूट जाएगा एक बार यहाँ पे वॉल्यूम के साथ तो दोस्तों 50 का रास्ता ओपन हो जाएगा इस स्टॉक के लिए। तो
दोस्तों अभी जो वीक है वो नेक एंड ब्रेक है, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि अभी ये जो लेवल है वो नेक एंड ब्रेक रहेगा, एक बार ये लेवल टूटेगा स्टॉक में बढ़िया तेजी आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। अगर आप श्री रेणुका शुगर में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है दोस्तों। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।